मुरली में आया है कि बाप विष्णु और शंकर में नहीं प्रवेश करते है। विष्णु और शंकर में प्रवेश नहीं करते है। इसने विष्णु और शंकर में प्रवेश नहीं करते है, इस प्रजापिता में करते हैं। शंकर पतित है या पावन है? शंकर पतित है या पावन है? फरिश्ता है, मनुष्य है या राक्षस है? फरिश्ता है। फरिश्ताएं पावन होते हैं या पतित होते हैं? तो उनमें कैसे प्रवेश करेगा? किसमें प्रवेश करते हैं? और शंकर है ऊंची से ऊंची स्टेज में है तो देवता है या मनुष्य है? तो देवता पावन होता है या पतित होता है? तो किसमें प्रवेश करते हैं? पतित मनुष्य में प्रवेश करते हैं उसको पावन बनाने के लिए। और शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे, ये भी बोला है। समझ में आया क्यों नहीं? क्यों बोला है? क्योंकि शंकर पावन है, पावन है तो शंकर को बैल पर सवारी दिखाते हैं। क्या? और पावन नहीं है, पतित है तो बैल शंकर पर सवार हो जाता है। कौन है बैल? है ब्रह्मा बाबा। सवार हो जाता है तो अपनी मनमानी करता है। बैल क्या करेगा? हैं? हैं? बैल अपनी बैलबाजी करेगा या मनुष्य का काम करेगा? बल है, बैल अपनी बैलबाजी करेगा। जानवर तो जानवर। शिव बाबा जानवर में प्रवेश करते हैं, देवता में प्रवेश करते हैं या मनुष्य में प्रवेश करते हैं? क्यों? क्योंकि मनुष्य मन का उपयोग करता है, जानवर और देवताएं मन का उपयोग नहीं करते हैं। शिव बाबा जो बोलते हैं, जो बताते हैं, उन बातों पर मनन चिंतन मंथन करना होता है ना, तो वो मनुष्य करेगा या जानवर करेगा या देवता करेगा? मनुष्य ही करेगा। और बाबा अभी आज की मुरली में आया था कि पढ़ाई और याद, तो सबसे पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देंगे तो आप कुछ कर पाएंगे, लेकिन याद आपने बाद में बोला, लेकिन जो ध्यान धारण कर रहे ज्ञान सिद्धि उसमें तीन सिद्धियों भले फिर हो और याद में बहुत दिखाओ तो उन पर पा सकते हैं, ऐसा बोला है तो सब चुप कुछ है। याद और पढ़ाई कैसे आ गई? जो जास्ती पढ़ाई पढ़ेंगे तो उनको याद भी जास्ती आएगी, पढ़ाई कम पड़ी होगी तो याद भी कम आएगी। जितना जास्ती ज्ञानी होगा उतना जास्ती योगी भी होगा। जो हाउस क्लास करता है, जो भाई माता हाउस क्लास करती है और याद भी करते, तो मैं वो सुन के लिए क्या क्या हाँ। ये मुरली खंड नंबर एक और जो हाँ। नहीं बराबर है, जितना नहीं बराबर आप, आप आपने छपा हुआ नहीं लिया होगा है? आपने फोटो स्टेट किया हुआ लिया होगा? जो फोटो स्टेट किया हुआ है और उसको प्रिंट किया गया है तो जैसा फोटो स्टेट में होगा वैसा ही आवेगा। ये तो मुरलियों का फोटो प्रिंट है, तो मुरलियों में जैसा जैसा लिथो कापियों से गड़बड़ हुआ वो प्रिंट में भी आ गया।
बाकी जो टाइप करके प्रिंट किया जाता है वो साफ होता है। ये ओरिजिनल मुरलियों को प्रिंट किया गया है। माउंट आबू में जो मुरलियां छपी थी उन मुरलियों को प्रिंट किया गया है, इसलिए ऐसा है। और देवियों की पूजा दो बार होती है, दो बार होती है बाबा। राम नवमी के पहले जो पूजा होती है उसमें देवियों की मूर्ति नहीं बनती है। उन्हें राम नवमी से पहले जो पूजा होती है हाँ देवियों की मूर्ति बनती नहीं है, बनती नहीं है। हाँ हाँ बनती है तो बाबा इसमें राज, इसमें राज ये है कि ये बेसिक ज्ञान भी है और फिर एडवांस ज्ञान भी है। वेद बेसिक ज्ञान में मूर्तियाँ तैयार हो जाती हैं क्या है? देवी देवताओं की मूर्तियाँ तैयार हो जाती हैं? नहीं, तैयार ही नहीं होती, इसलिए मूर्तियाँ नहीं बनती पहली बार। फिर जब दूसरी बार में एडवांस में आते हैं तो एडवांस की पढ़ाई पूरी होने पर मूर्तियाँ तैयार हो जाती हैं। तो वहाँ भक्ति मार्ग में भी मूर्तियाँ दूसरी बार बनती हैं। और हाँ जी बाबा, हाँ जब राधा बच्ची ऐसे बोलते है कि मोरूषम बोने तो रोको ना कुमार, मोरूषम बोने तो रोको ना, तो उनकी तो एक पावर शो बोलती है। लेकिन जो नारायण है उनमें क्या आशिक खासियत होगी कि वो अपने अरे खोल के बोलो। झिझकते क्यों हो? डरता नहीं। हाँ हाँ शब्द नहीं आ रहे। अच्छा तो बैठ के याद कर लो फिर बोलना। हाँ आई बाबा, तो राधा राधा बोलते पुरुषम बोलने तो ऊपर नारायण में शिक्षा खासियत थी। हाँ नारायण में शिक्षा खासियत थी कि वो है ना राधा को बोलने के लिए तो याद कर लो ना अच्छी तरह से। हाँ अंत में जब राम ही रावण बनता है तो क्या राम की आत्मा खुद रावण बनती है या ब्रह्मा की आत्मा राम की आत्मा को कंट्रोल करके रावण बनती है? है अरे शूटिंग हो रही है, शूटिंग पीरियड में वैसा ही शूट होता है जैसा बड़े ड्रामा में होता है या कुछ दूसरा होता है? तो चाहे ब्रह्मा की आत्मा हो चाहे राम की आत्मा हो, राम के फॉलोअर्स की आत्मा हो या ब्रह्मा के फॉलोअर्स की आत्मा हो, सभी आत्माएं 16 कला संपूर्ण की स्टेज से नीचे उतरते उतरते कलयुग के अंत में कलाहीन बन जाती हैं। तो सभी ऊंची स्टेज में रहती हैं या नीची स्टेज में जाती हैं? सभी नीची स्टेज में जाती हैं। अब वो राम की आत्मा हो या ब्रह्मा की आत्मा हो, अंत में आकर सब राक्षस राक्षसी बन जाते हैं या कोई देवी देवता रह जाता है? तो ये तो ड्रामा बना बनाया है, राम के लिए थोप दिया है मुरली में, बीज के लिए थोपा है तो सबके लिए वो बात थोप ही जाती है। बीज की जो गति होगी वो गति सबकी होगी। बीज रावण है तो सारी दुनिया कौन सा संप्रदाय है? रावण संप्रदाय है। और क्या पूछा है सो तो लिखो। उन्नीस सौ छत्तीस में
पृथ्वी पर चंद्रमा का मिलन होगा। ये क्या बात है, इसका क्या मतलब है? उन्नीस सौ छत्तीस तो निकल गया, अब होगा कहां से? है क्या 2036 में लिखो ना, से तो 1936 लिखा है। 2036 में जो उपग्रह कहा जाता है, पृथ्वी है ग्रह और चंद्रमा है उपग्रह, इसीलिए कहा जाता है वो ग्रह का टुकड़ा है। क्या? जो टुकड़ा है, कभी टुकड़ा हुआ होगा, तो जब टुकड़ा हुआ होगा तो ऐसा भी टाइम आएगा कि वो टुकड़ा मिलकर के एक हो जाएगा। तो इस बात की संगम पर शूटिंग कैसे होती है? अरे सीधी सी बात है, जगदम्बा कहो या भारत माता कहो, दोनों ही धरणी है या नहीं है? दोनों ही धरणी है। और चंद्रमा उनका बच्चा है। क्या है? बच्चा है। अभी वो ज्ञान चंद्रमा आत्मा पृथ्वी से अलग है या मिली हुई है? हैं? अलग है, तभी पृथ्वी का परछाया चंद्रमा पर पड़ता है। चंद्रमा धरणी के प्रभाव में आता है, अर्थात परछाया पड़ता है, अलग है। एक ऐसा टाइम आवेगा कि चंद्रमा पृथ्वी में समा जावेगा, अर्थात जैसे बच्चा माता के पेट में चला जाता है तो माता में समा जाता है ना, ऐसे ही सतयुग के आदि में कृष्ण बच्चा पैदा होगा तो माता के पेट से पैदा होगा या कहीं बाहर होगा, तो समा जाएगा कि नहीं है? ये शूटिंग संगम पर होती है या कहाँ होती है? संगम पर होती है। अभी चंद्रमा का परछाया कभी पृथ्वी पर पड़ता है, ऐसा होता है? चंद्रमा का परछाया जब पृथ्वी पर पड़ता है तो जिस हिस्से में पृथ्वी का परछाया, वो चंद्रमा का परछाया पृथ्वी पर पड़ता है, वहां के लोग समझते हैं कि सूरज पर ग्रहण आज लग गया, सूरज पर विकारों का ग्रहण लगा हुआ है, सूरज विकारी बन गया है। तो सूरज विकारी बनता है या पृथ्वी पर जो चंद्रमा की परछाया में रहे पड़े हैं उनकी आंखों में अंधेरा आ गया है, उनकी आंखों में अंधेरा आ गया। जब चंद्रमा अर्थात ब्रह्मा बाबा पृथ्वी में समा जावेगा, धरणी की बुद्धि के समान हो जावेगा, तो फिर ऐसा नहीं होगा। तो 2036 में धरणी पर चंद्रमा का मिलन हो जाएगा। अभी मिला हुआ नहीं है,
अभी क्या है, है? अभी पृथ्वी रूपी धरणी के पेट में समाया हुआ है या धरणी को प्रभावित करता है? धरणी को प्रभावित करता है। और बाप से सदा की कशिश के लिए और निरंतर याद की अवस्था बनी रहे इसके लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? यही करना होगा कि जो भी तन है, जो भी मन है, जो भी धन है, जो भी समय है, जो भी हमारे पास संपर्क की शक्ति है, जो भी संबंधों की शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां यज्ञ में स्वाहा करनी है। नाम क्या रख दिया? स्वा। स्वा का जो कुछ भी है, स्वा माने अपना, जो कुछ भी है सब यज्ञ में समर्पित करना है। भले थोड़ी देर के लिए लगेगा, हाँ हाय हम ये क्या कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, लेकिन इतनी बात निश्चित है कि स्वाहा करने के साथ ही साथ वो अवस्था बनने लगेगी। कौन सी अवस्था? निरंतर याद करने की अवस्था। निरंतर योगी की पहचान क्या होगी? हाँ, चलन और चेहरे से खुशी दिखाई देगी, यही पहचान होगी। उसके कर्म कैसे होंगे? उसके कर्मों में अलौकिकता होगी। लौकिक दुनिया के जो कर्म होते हैं उनका भी रिजल्ट होता है, और अलौकिक जो कर्म होते हैं उनका भी रिजल्ट देखने में आता है। बाबा, माया किसी को छोड़ेगी नहीं, छोड़ती ही नहीं है, तो माया पर जीत पाने के लिए क्या पुरुषार्थ करना होगा? है? क्या पुरुषार्थ करना होगा? है? मेरा तो एक शिव बाबा, जैसे माया से कोई संबंध ही नहीं है तो उससे लेना देना ही क्या है? अमृत बेला उठने के बाद समय को सफल कैसे बनाएं? अमृत बेला उठ तो गए, क्योंकि बाबा ने कहा अमृत बेला ही उठो, उठ गए, लेकिन जो भी समय अमृत बेले का है वो दुनियावी संकल्पों में, दुनियावी बातों में, और दुनिया में जो कर्म करते हैं उन्हीं कर्मों में लगा दिया। दुनिया वाले जो कर्म करते हैं, बातें करते हैं, संकल्प करते हैं, उन्हीं बातों में अगर लगा दिया तो समय सफल होगा या विफल होगा? उठना तो है, लेकिन उठने के साथ साथ समय को, संकल्प को, वाचा को और कर्मेंद्रियों के कर्मों को श्रीमत के अनुकूल लगाना है,
उसके लिए पहला पहला फाउंडेशन बाबा ने बताया अपन को आत्मा समझो। ये पहली सीढ़ी पक्की करनी है, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आत्मिक स्थिति बन गई तो संकल्प भी अच्छे ही आएंगे, श्रीमत के अनुकूल आएंगे, वाचा भी श्रीमत के अनुकूल बनेगी और कर्म भी श्रीमत के अनुकूल होंगे। सफल अमृत वेला की निशानी क्या होगी? अमृत वेला फाउंडेशन का वेला है। अगर फाउंडेशन अच्छा होता है तो बिल्डिंग भी मजबूत बनती है। तो निशानी यही है कि सारा दिन ऑटोमेटिक अवस्था बनेगी, सारा दिन आत्मिक स्थिति बनी रहेगी। बहुत अच्छा अमृत वेला होगा, बहुत अच्छी आत्मिक स्मृति पक्की की होगी। मैं आत्मा हूँ, ये फाउंडेशन पक्का पड़ गया होगा तो सारा दिन आत्मिक स्मृति याद आती रहेगी। बाबा कल्याण क्या होता है? बाबा का ऐसा सब कल्याण क्या होता है? बाबा का बच्चों का भी कल्याण लगता है। सबसे ज्यादा कलंक शिव बाबा को लगते हैं। शिव बाप को लगते हैं या शिव बाबा को लगते हैं? दुनिया में सबसे जास्ती कलंक शिव बाबा को लगते हैं। तो सबसे जास्ती ऊंचा पद किसका बनता है? उसके बाद सबसे जास्ती कलंक ब्रह्मा को लगते हैं। तो ऊंचा पद किसका बनता है? ब्रह्मा का ही बनता है। फिर नंबर वार बच्चों को कलंक लगते हैं। तो कलंक जिसको लगते हैं, ग्लानी जिसकी होती है, जरूर उसका गायन भी होता है। जितना ज्यादा गायन होता है उतना ज्यादा ग्लानी भी होती है। जितना ज्यादा आत्मा सतो प्रधान बनती है उतना ज्यादा आत्मा तमो प्रधान भी बनती है। जितना ज्यादा आत्मा ऊंची सीट पर बैठती है उतना ज्यादा दुनिया की नजरों में नीचे की सीट भी मिलती है। तो ये तो ड्रामा है बना हुआ। मैं कौन, इस पहेली को अपने 84 जन्मों को जानने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है? क्या पुरुषार्थ करना है? हाँ, एक ही प्रैक्टिस पक्की करनी है, देह को भूलना और आत्मा ज्योति बिंदु को याद करना। आत्मा बनेंगे तभी तो आत्मा को पढ़ेंगे। आत्मा अर्थात बिंदु माने ज्योति बिंदु माने बीज। बीज बनेंगे तो बीज के झाड़ को देखेंगे, क्योंकि बीज में सारा झाड़ समाया हुआ है। और बीज बनेंगे ही नहीं तो झाड़ को, जो बीज डिफेक्ट होता है, बीज डिफेक्टेड होता है कि नहीं, तो उसका पौधा सरसब्ज नहीं होता है। पौधा सरसब्ज ही नहीं होगा तो पूरा पौधा जैसा देखने में आना चाहिए स्वस्थ, वैसा स्वस्थ पौधा देखने में आएगा? नहीं आएगा। तो क्या करना है? हैं? अमृत वेले उठते ही और कुछ याद ना आए। कुछ याद ना आए माने नील भी न रहे। हैं? कि सोते सोते उठ तो बैठ गए। नहीं, वो स्टार देखने में आवे। क्या? स्टार देखने में आवे। इन आंखों से नहीं देखने में आवेगा, लेकिन
बुद्धि के तीसरे नेत्र से ऐसी पक्की प्रैक्टिस हो जावे कि भ्रकुटी के मध्य में स्टार ही दिखे। ऐसी प्रैक्टिस कि जिसमें स्टार ही देखने में आवे, कोई दूसरा संकल्प ना आवे। अगर लंबे टाइम की बनती है तो अनेक जन्मों को देख भी सकेंगे, अगर नहीं बनती है तो नहीं देख सकेंगे। पहले ज्ञान के आधार पर ही दिखाई देते हैं। जितना ज्ञान गहरा होगा उतना आत्मिक स्थिति में ज्यादा टिकेंगे, बाप की याद भी जास्ती आएगी। अभी स्थूल काटन में मंदी और महंगाई बढ़ती जा रही है, मंदी माने है? तो ये तो इन्होंने दोनों बातें लिख दी, दोनों बातें एक साथ कैसे होंगी? या तो महंगाई होगी या तो सस्ताई होगी, हैं? जो बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए मिलती है। इसमें आगे चल हम बच्चों को किस प्रकार से चलना चाहिए? विदेशीयता को ग्रहण करना चाहिए या स्वदेशी को ग्रहण करना चाहिए? स्वदेशी को ग्रहण करेंगे तो काटन की महिमा बढ़ेगी। काटन अर्थात स्वदेशी, जिससे खादी बनती है। खादी के राजा रानी कौन है? हैं? राम सीता को खादी का राजा रानी कहेंगे, खास संगम युग में। जो सूती कपड़ा होता है वो सर्दी में गर्मी देता है और गर्मी में ठंडक देता है, बरसात में चिपक जाता है, भीग जाता है, गंदा जल्दी हो जाता है। तो क्या बनना है? सिंथेटिक बनना है या सूती कपड़ा बनना है? सूती कपड़ा की महिमा है। वेद में पूना का अर्थ क्या है? अरे पूना का अर्थ है पूर्ण, पूर्ण और अपूर्ण, पूर्णमासी और अमावस्या। क्या अच्छी है? पूर्णमासी बनना अच्छा है और अमावस्या, अमावस्या में तो अंधेरा बढ़ जाता है। तो पूर्णा बनना है या अधूरा बनना है? अच्छी बात है ना। तो पूना वासियों से बाबा आपकी क्या उम्मीद है? अरे जैसा नाम है वैसी ही उम्मीद होगी कि दूसरी उम्मीद होगी है? और उस उम्मीद पर खरे उतरने के लिए क्या करें? भक्ति मार्ग में जब ठेठ भक्ति मार्ग बन चलता है कलयुग में, तो पूना वासियों से क्या उम्मीद होती है? अच्छा शिवाजी की क्या उम्मीद थी?
स्वराज्य प्राप्त करें, शिवाजी अकेले प्राप्त करें या पूनावासियों की सहयोग से प्राप्त करें? हैं? सहयोग से प्राप्त करें। तो ये उम्मीद है क्या? परतंत्रता से पीछा छूटे और स्वतंत्रता को प्राप्त करें, स्वमाने आत्मा। कलयुग के शिवाजी में और संगम युग के शिवाजी में कोई अंतर होगा या नहीं होगा? है क्या अंतर होगा? है कलयुग के शिवाजी को स्व की सही पहचान नहीं थी और संगम युग में, संगम युग में तो सही पहचान है। सही पहचान नहीं थी तो हिंसा का आधार लिया, और यहाँ सही पहचान है तो हिंसा तो शरीर से होती है, यहाँ तो आत्मिक स्थिति की बात है। आत्मा का राज्य और देह का राज्य, देह अभिमानियों का राज्य, दोनों बातें अलग अलग हैं। कलयुग में भारतवासी विदेशियों के पूरे प्रभाव में आ जाते हैं, रावण के पूरे प्रभाव में आ जाते हैं, इसलिए शिवाजी ने हिंसा का आधार लिया। अभी हमको क्या करना है? माया हमारी परीक्षा लेगी, माया भी हमारी परीक्षा लेंगे कि देखें इनको देह अभिमान आता है या नहीं आता है, ये बाहुबल चलाते हैं या नहीं चलाते हैं। तो हम उस परीक्षा में पास होके दिखाएं, ऐसे नहीं कि उन्होंने बाहुबल चलाया तो हमने भी चला दिया, हमारी कोई गलती नहीं। तो ये बाबा की उम्मीद है किससे? पूर्णावासियों से। और इस उम्मीद पर खड़े उतरने के लिए क्या करें? आत्मिक स्थिति में रहें। आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो योग बल से काम लेंगे या बाहुबल से काम लेंगे? योग बल से काम लेंगे। और देवान आया तो है, मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, मैं अभी पुलिस को इतना पैसा दे के अभी काम कराता हूँ चुटकियों में, तो ये क्या हुआ? ये तो बाहुबल हो गया। अभी वक्त के अनुसार पुरुषार्थ किस प्रकार का होना चाहिए और कितना होना चाहिए और वो पुरुषार्थ कैसे हो? अरे पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? है अर्थ माने लिए, पुरुष माने आत्मा, काहे के लिए? आत्मा के लिए। तो आत्मा का कनेक्शन इसी एक जन्म से है या 84 जन्म से है? 84 जन्मों से कनेक्शन है। तो आत्मा का उत्थान करने के लिए क्या करना है? आत्मा का उत्थान करने के लिए आत्मिक स्थिति में टिकना है, ये है सबसे बड़ा पुरुषार्थ, फाउंडेशन का पुरुषार्थ। जितना आत्मिक स्थिति में टिके हुए होंगे उतना आत्मा के बाप की भी
स्मृति आवेगी और बाप से पूरा पूरी पावर की प्राप्ति होगी, पूरी शक्ति मिलेगी आत्मिक स्थिति में रहने से। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? निरंतर करना है या थोड़े समय करना है? निरंतर करना है। निरंतर करने के लिए मोटे से मोटा मुद्दा बता दिया, क्या? अमृत वेला पक्का करो आत्मिक स्थिति का, तो सारा दिन आत्मिक स्थिति बनी रहेगी। और किस प्रकार से करना चाहिए आत्मिक स्थिति बनी रहे, ये कैसे करें? हमारे पास कुछ होगा तो याद आएगा, कुछ होगा ही नहीं तो याद क्या आएगा? इसलिए जो भी है सब सब स्वाहा, तो आत्मिक स्थिति पक्की बनेगी। अगर कुछ अपने पास रखेंगे तो बार बार उसमें बुद्धि जरूर जाएगी। अरे सब बातों की एक ही जवाब है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। वो वही बात घुमा फिरा के बार बार वही पूछने। सेवा में सफलता पाने के लिए क्या युक्तियां हैं? और अंगद की तरह स्थिर रहने के लिए क्या पुरुषार्थ है? वो एक ही बात बार बार घुमा फिरा के लिखी हुई है। मुरली में आया है कि जो सर्विस नहीं करते हैं जरूर डिस सर्विस ही करते हैं, इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। अरे सर्विस किसकी करनी है? है सर्विस किसकी करनी है? गवर्नमेंट, भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट की सर्विस करनी है या विदेशियों की सर्विस करनी है? किसकी सेवा करनी है? अरे आत्मा की सेवा करनी है, ईश्वरीय सेवा करनी है। किसकी सेवा करनी है? जिसकी सेवा करनी होती है उसके डायरेक्शन पर चलना पड़ता है। तो हम किसकी सेवा में हैं? ईश्वर की सेवा में हैं। तो जैसी ईश्वर की मत, जैसी श्रीमत मिले उसी अनुसार हमको चलना है। उसी अनुसार चलते हैं तो सर्विस है। अगर उसके विपरीत माना डिस सर्विस है, या तो ईश्वरीय सर्विस पर है या तो आसुरी सर्विस पर है। आसुरी सर्विस है देह देह के संबंधियों, देह के पदार्थों की, और ईश्वरीय सर्विस है आत्मा की, परमात्मा की। दोनों में कंट्रास्ट हो गया। ये बात समझ में क्यों नहीं आती? या तो हम सर्विस पर हैं या तो डिस सर्विस पर है, या तो सेवाधारी की लिस्ट में हैं या तो डिस सर्विस करने वालों की लिस्ट में। जैसे कर्म हम करेंगे हमें देख दूसरे करेंगे। हम धंधे धोरी में लगे हुए हैं। कोई कहे ब्राह्मण तुम तो धंधे धोरी में लगे हुए हो, तुम तो डिस सर्विस कर रहे हो, तो क्या जवाब दें? जब है ही नहीं। ईश्वरी धंधा और आसुरी धंधा दो ही धंधे हैं। ईश्वरीय धंधे में है तो ईश्वरीय धंधे में रहने वालों को पेट की चिंता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए?
और जिनको पेट की चिंता है, चाहे अपना पेट, चाहे पत्नी का पेट, चाहे बाल बच्चों का पेट, उसकी चिंता है, इससे साबित होता है कि लौकिक धंधे में लगेंगे या ईश्वरीय धंधे में लगेंगे। लौकिक धंधे में लगेंगे। आज की मुरली में भी क्या आया है? लौकिक धंधा धोरी दुनिया में खत्म होनी है या बढ़ती रहेगी? वैसे भी देखा जाए तो सच्चाई से लौकिक धंधे चल रहे हैं या टूट रहे हैं? जो सच्चाई से लौकिक धंधे में लगते हैं उनके धंधे फेल हो रहे हैं। सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। बोला है मुरलियां भी बहुत चलाई ली, तूने मुरलियां भी बहुत चलाई ली, माखन भी बहुत खा लिया, लीलाएं भी बहुत दिखा दी, अब वो कार्य कब शुरू करेंगे जिसके लिए आप धरती पर आए हो? तो लड़ाई शुरू हो जाए। स्वर्ग स्थापन करने के लिए आए हैं शिव बाबा, हैं? स्वर्ग कब प्रत्यक्ष होगा? गेट वे टू हेवन इज, तो महाभारत युद्ध शुरू हो जाए। तैयार हैं? हैं? तैयार हैं? बैंक बैलेंस बढ़ाते चले जा रहे हैं, कहते हैं तैयार हैं। है? समय पर होगा, ये बात समय पर होगा, पहले नहीं होगा। बोरिया बिस्तर समेटना समय पर होगा। अच्छा, समय पर होगा तो समय की बलिहारी होगी या आत्मा की बलिहारी होगी? फिर तो समय की बलिहारी। समय जड़ है या चैतन्य है? समय तो चैतन्य नहीं है, समय तो जड़ है। तो जड़ की बलिहारी करनी है या आत्मा की बलिहारी करनी है? है, आत्मा की बलिहारी करनी है। समय को महाकाल कहा जाता है। क्या कहते हैं? समय बड़ा बलवान है। जो ये कहते हैं समय बड़ा बलवान है, तो सच्ची बात कहते हैं या झूठी बात कहते हैं? सच्ची बात कहते हैं। माने भगवान बड़ा बलवान नहीं है, है? ईश्वर सर्वशक्तिवान नहीं है, समय सर्वशक्तिवान है, है? ईश्वर सर्वशक्तिवान है। तो ड्रामा को आगे नहीं रखना चाहिए, पुरुषार्थ को आगे रखना चाहिए, आत्मा को बलवती बनाना चाहिए। फिर क्या करें? है? प्रश्न करने वाले से ये पूछे कि बोरिया बिस्तर सब समेट लिया, समेटने की निशानी है 24 घंटे ईश्वरीय सेवा में लगे रहे। क्या स्वप्न भी नहीं? स्वप्न भी ईश्वरीय सेवा के आने लगे। नहीं तो कपड़े की दुकान वाला ज्यादा बजाज होता है और सारा दिन कपड़े फाड़ता है, रात में अपनी धोती फाड़ देता है। तो भगवान से तो ये प्रश्न किया कि अब वो काम कब शुरू करेंगे जिसके लिए आप धरती पर आए हो? तो भगवान क्या कहते हैं? हैं? आप अपना काम जब शुरू करेंगे तो हम भी अपना काम शुरू कर देंगे। क्या काम शुरू करेंगे आप?
बोरिया बिस्तर, जो भी देह अभिमान का बोरिया बिस्तर है वो सब बन जाओ लंगोटिया। भक्ति मार्ग में तो कहते हैं शंकर जी क्या भगत भक्ति करेंगे तो क्या होगा है, लंगोटिया बना देगा, सिवाय लंगोट के और तुम्हारे पास कुछ रहने वाला नहीं। शक्ति लेना कठिन है, शक्ति लेना कठिन है या सहज भी है, है? कठिन भी है उनके लिए जो त्याग नहीं कर सकते, और सहज है उनके लिए जो त्यागी हैं। शक्ति लेना कठिन है परंतु ज्ञान और योग सहज है। ज्ञान सहज है या योग सहज है, है? ज्ञान बहुत सहज है परंतु याद में माया विघ्न बहुत डालती है, इसलिए कठिन हो जाता है। तो शक्ति लेना कठिन है परंतु ज्ञान और योग सहज है, ऐसा बंगलोर की एक मुरली में आया है। तो इसका मतलब क्या है, कठिन होने के लिए है जो त्याग नहीं कर सकते हैं, और त्याग कौन नहीं कर सकते हैं, हैं? जो देह अभिमानी है तो त्याग नहीं कर सकते हैं, आत्माभिमानी है तो त्याग भी कर सकते हैं। जो राजा राजा नहीं, जो अपने अस्त्र शस्त्र बेच देता है, तो इसका बेहद में अर्थ क्या है, हमारे अस्त्र शस्त्र क्या हैं? ज्ञान और याद। यहाँ अस्त्र शस्त्र बेचे कैसे जाते हैं, कोई संकल्प है, बीज रूपी स्टेज कैसे बेचे जाते हैं, है? जो सतयुग में टीचर बन करके रह जाएंगे, राजा या राजघराने में नहीं आवेंगे, वो यहाँ क्या करते होंगे, हैं? वो अपने अस्त्र शस्त्र बेचते हैं। बाबा जिस काम के लिए आए हैं वो काम नहीं करते। बाबा किस लिए आए हैं, हमको राजा महाराजा बनाने के लिए, राजा ही प्राप्त कराने के लिए आए हैं, और हम राजा ही प्राप्त न करें, सिर्फ ज्ञान योग का प्रदर्शन भर करते रहें, न ज्ञान को खुद धारण करें और न याद की शक्ति धारण करें, तो ऐसी आत्माएं राजा नहीं बन पाएंगी, क्या बनेंगी, टीचर बन के रह जाएंगे। नौकरी में प्रमोशन नहीं देते हैं तो सच्चाई प्राप्त करने के लिए कोर्ट में जाना है या नहीं जाना है, पूछने वाले से प्रश्न करना चाहिए, प्रमोशन किस लिए चाहिए, किस लिए चाहिए, हैं? प्रमोशन चाहिए मान मर्तबा पाने के लिए। अगर मान मर्तबा पाने के लिए प्रमोशन चाहिए तो कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। अगर प्रमोशन चाहिए कि ईश्वरीय सेवा में काम आवे,
ईश्वरीय सेवा हमारे प्रमोशन से काम में आ जावे, प्रमोशन होते होते प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद लौकिक दुनिया की ऐषणा, लौकिक दुनिया का मान मर्तबा बिल्कुल धारण न करे। अगर ये पक्का किया है कि ईश्वरीय सेवा ही करेंगे, इसके लिए हमने ये प्रमोशन लेना है, तो कोर्ट में जरूर जाना है, वरना नहीं जाना है। अज्ञान की रात्रि में जो महाशिवरात्रि होती है, उस समय जिनका भक्ति मार्ग में पूजन करते हैं, तो क्या वही आत्माएं हैं? भक्ति मार्ग में जब घोर अंधेरा होता है तो पूजन किसका होता है? जड़त्व का पूजन करते हैं या चैतन्य का पूजन करते हैं? पूजन भी जड़त्वमयियों का होता है। कोई पेड़ की पूजा करते हैं, कोई सांप की पूजा करते हैं, है? कोई पत्थर की पूजा करते हैं, तो क्या वो आत्माएं हैं? नहीं, पेड़ आत्माएं नहीं है। आत्माएं तो हैं, लेकिन जड़त्वमयी आत्माएं हैं। क्या जड़त्वमयी आत्माएं हैं, उनमें चैतन्यता नहीं है। जो संपन्न स्टेज अर्थात फाइनल परीक्षा में पास होते हैं, नंबर बार पास होते हैं या एक जैसे पास होते हैं, अथवा जो अनिश्चय में आ जाते हैं, जब सारी दुनिया एक तरफ हो जाती है और एक बाप एक तरफ हो जाता है, तो शालिग्रामों का गायन कैसे होता है? जो शालिग्राम रूपी आत्माएं हैं वो एक साथ निश्चय में आती हैं या नंबर वार एक के बाद एक निश्चय में आती हैं? रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं तो सब शालिग्राम एक साथ बनाए देते हैं या सुबह से लेकर शाम तक नंबर वार बनाते रहते हैं? तो नंबर वार ही गायन होगा कि एक जैसा गायन होगा? नंबर वार गायन होगा। माया बहुत अपोजिशन करती है, बहुत बार करती है, अभी तो अंत में तो और ज्यादा भार करेगी, तो इसके लिए क्या करना है? अरे जब जानते हैं कि दुश्मन का मुसलमान का वार होने वाला है, तो भारत के राजाएं क्या करते थे, क्या तैयारी करते थे और क्या तैयारी करने से वो सफल हो सकते थे? संगठित करने से सफल हो सकते थे, लेकिन देह अभिमान होने के कारण संगठित नहीं हुए। क्यों संगठित नहीं हो पाए? क्योंकि इतनी प्योरिटी की पावर नहीं थी जो यूनिटी बना सके।
और अभी अभी वो प्योरिटी की पावर हम इकट्ठी कर सकते हैं। कैसे? आत्मिक स्मृति में रहने से, बाप की स्मृति में रहने से, और बाप की स्मृति उनको जास्ती होगी जिनको बाप याद करेगा। बाप किनको याद करेगा? जो ईश्वरीय सेवा में ही रहेंगे। शरीर अर्थात पेट की सेवा में ज्यादा टाइम नहीं लगावेंगे, ईश्वर की सेवा में रहेंगे तो उनको ईश्वर बाप याद करेगा। बड़ा आदमी किसी को कनेक्शन लगाना चाहता है टेलीफोन का तो जल्दी लगावेगा, या छोटा आदमी बड़े आदमी को कनेक्शन जल्दी लगावेगा? बड़ा आदमी छोटे से छोटे आदमी से फोन का कनेक्शन जल्दी कर सकता है। तो शिव बाबा तो ऊंचे से ऊंचे है, वो जिसको याद करना चाहे तो उसकी याद का कनेक्शन बहुत जल्दी जुड़ जाएगा। और जो आत्माएं हैं वो तो नंबरवार हैं, वो चाहे कि ऊंचे से ऊंचे बाप से जल्दी से कनेक्शन जुड़ जाए तो जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं जो मेरे सर्विसेबल बच्चे हैं। कैसे सर्विसेबल? जिन्होंने अपना तन जब से सेवा में आए हैं, जब से ज्ञान में आए हैं, तभी से तन तेरा मन तेरा। दूसरी सेवा में ना मन लगेगा न ये तन जाएगा, चाहे बाप ही क्यों ना हो, चाहे कोई प्यारे से प्यारा लौकिक संबंधी ही क्यों ना हो, तन और धन एक की सेवा में जाएगा। जब से ज्ञान में आए हैं तभी से ऐसा देखने में आ रहा है। तो बाप उनको याद करेगा, उनको टाइम पहले देगा या दूसरों को टाइम देगा? फिर नाराज हो जाते हैं, बाबा तो कहते हैं है कदम कदम पर श्रीमत लेना है। अब कदम कदम पर श्रीमत कैसे लें? टेलीफोन का तो नंबर ही नहीं देते, मोबाइल का नंबर देते ही नहीं। बाबा तो पार्सलिटी करते हैं। तो जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। माया बहुत वार करती है, दुश्मन बहुत वार करता है, तो बड़े राजा का आधार लिया जाता है। जो बड़े से बड़ा राजा होता है, ज्यादा पावरफुल होता है, तो अपनी धन संपत्ति रानियां सब उसको सौंप देते हैं और सौंप के उसकी सेवा में हाजिर हो जाते हैं। जैसे आप चलाओगे वैसे हम चलेंगे। तो ऐसे यूनिटी बनाने से प्योरिटी की पावर भी आ जाती है और प्योरिटी की पावर से दुनिया में सब काम होते हैं। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब उनको तुरंत शरीर मिलता है, तुरंत शरीर मिलता है कि वो आत्मा 10 दिन मकान के पास भटकती रहती है, 10 दिन के बाद उनकी बिछी होने के बाद, विधि होने के बाद प्रवेश करती है। क्या होता है? अरे ये विधि विधान तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं, भक्ति मार्ग के हैं। हिंदुओं के भक्ति मार्ग अलग तरीके के, मुसलमानों के अलग तरीके के, क्रिश्चियंस के अलग तरीके के। तो ये देहधारियों के द्वारा विधि विधान बनाए हुए हैं या आत्माओं के बाप के द्वारा बनाए हुए हैं? आत्माओं का बाप तो कहता है आत्मा तुरंत शरीर छोड़ती है, 1 सेकंड में जाकर गर्भ में प्रवेश कर जाती है।